हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनुअल स्कैंजर्स की अब ये हमारा क्यों चर्चा में आ रहा है क्योंकि आपको पता है मैनुअल स्कैवेंजर मैनुअल स्कैवेंजर पहली बात होता है क्या है जो ये हमारे आ, कहते हैं ना लोग जो सीवर वगैरह साफ करते हैं सीवर साफ करते हैं जो ह्यूमन का फिकल वेस्ट को क्लीन करते हैं ठीक है जो जो टैंक होते हैं उनको क्लीन करते हैं वो हम मैनुअल कैवजर है तो न्यूज़ में ये क्यों है क्योंकि रिसेंटली आठ लोगों की डेथ हुई है जो कि हमारे गुजरात में निकल के आई है तो इसी रीज़न से ये हमारे न्यूज़ में है जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है हमारी ठीक है अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो क्या कह रही है कि उसने हमें उसे कहा था कि लोकसभा के अंदर उसने क्या कहा था कि जो मैनुअल स्कैंजर है अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था जो हमारे मैनुअल स्कैंजर्स है इंडिया के अंदर है ना बंद हो गए हैं इससे होने वाली डात डेथ है ना बल्कि खत्म हो गई है कि लोग इससे नहीं मर रहा है एक भी पर्सन नहीं मर रहा है ठीक है नो पर्सन डाइव बिकॉज ऑफ मैनुअल स्कैंजर जो कि ये रिपोर्ट है लास्ट थ्री ईयर्स की पिछले तीन सालों के अंदर 2019 से लेकर 2022 में एक भी हमारे मैनुअल स्केवेंजर से डेथ नहीं आए तो लोक, जो हमारे लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये बात कही थी तो इसीलिए ये न्यूज में कि इन्होंने ये कह दिया कि मैनुअल स्केवेंजर से एक भी डेथ नहीं हो रहा है पर अभी आठ लोगों की डेथ हुई है तो अब आठ लोगों की डेथ हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है तो इस इस रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग इसमें पूरी पूरी बात है तो जैसे मैंने बताया है, जो हमारी मैनुअल स्कैवेंजर होता है वो क्या होता है ठीक है मैनुअल स्कैवेंजर हमारा है कि जो पर्सन रिमूव कर रहा है हुमन एक्सक्रमेंट को जो कि पब्लिक स्ट्रीट पे से हमारी जो लेटरिन है ड्राई लेटरिन हो गई पब्लिक स्ट्रीट्स हैं क्लीन सेप्टिक टैंक है और हमारा जो गटर सीवर गटर सीवर जो इसको क्लीन करता है जैसे पर्सन पूरा पूरा उसके अंदर चल जाता है और उसके बाद क्लीन करता है और आपको पता है जो सीवर वगैरह है इसमें से जो H2S गैस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है पर्सन को जो इमिडिएटली डेथ कोस कर सकती है तो इसी रीजन से पता है इंडिया में इमैनुअल स्कैवेंजर को बैन कर दिया था इंडिया ने इसको बैन कर दिया था उसके बाद भी ये एक्टिविटी हो रही है तो इंडिया ने जब बैन करा था कौन से उस एक्ट के अंदर क्या था हम मैं पहले उस एक्ट के बारे में बताती हूँ एक सेकेंड जस्ट अंडर प्रोविशनल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैंजर एंड देयर रीहेबिलेशन एक्ट टू थाउजेंड थर्टी ठीक है इसमें इसने इसको बैन कर दिया था इसने क्या कहा था इसने एक्ट ने कहा, कहा था जो मैनुअल स्कैंजर है वो एक डी ह्यूमेनाइज प्रैक्टिस है जिससे पता है लोग मर रहे हैं तो इसलिए इसको 2013 में ही बैन कर दिया था पर इसके रिगार्डिंग सोशल इश्यूज भी बहुत देखने को मिल रहे हैं ठीक है कुछ सोशल इश्यूज की वजह से ये प्रैक्टिस अब तक इंडिया के अंदर कंटिन्यू है अब वो इश्यूज क्या है लाइक like, जो हमारे मैनुअल स्कैसे का वर्क है ना इंडिया में जो मानते हैं कि कास्ट लेवल पे होता है ठीक है कास्ट को देख के ही कहते हैं कि जो इस कास्ट के लोग होते हैं इस क्लास के लोग होते हैं उनको ए, ए, एक तरह से इनकम डिवाइडेंट कर दिया जाता है कि वही लोग इसको जो लोअर कास्ट के सो कोल लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस टाइप की जॉब को परफॉर्म करें इसलिए सोशल इशू के चक्कर में जो मैनुअल कैवेंजर्स हैं ये हमारा इशू देखने को मिल रहा है ये सबसे बड़ा इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये डीह्यूमनाइज एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जा रहा है तो इसी के लिए है ना एक नाइनटीन में इंडिया ने क्या कहा था इन नाइनटीन जो हमारा मैनुअल स्कैवेंजर है इसको जब भी बैन किया था जब इसको बैन किया था ना कौन से एक्ट के थ्रू था इंप्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइंग लैक्ट्रीन जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना उसका ड्राइंग लैक्ट्रीन का उसकी लगाने ड्राई लेट्रि उसके रिगार्डिंग ये एक्ट बना था हमारा जिसमें इसको प्रोबिशन किया था इसको रोक दिया था बल्कि कि इसको हम आगे इसको इस एक्टिविटी को डीह्यूमनाइज एक्टिविटी को कंटिन्यू ही नहीं करेंगे बट ये अब तक स्टिल इसके ऊपर वर्क चल रहा है ठीक है स्टिल लोग इसको कर रहे हैं डीह्यूमनाइज एक्टिविटी को तो इसके लिए इसकी जो लोगों की जो सोच है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स लेके लेके गए थे तो क्या क्या हमने स्टेप टेकन लिए थे कि इस चीज को हम स्टॉप कर देंगे तो स्टेप टेकन जो हमारे लिए गए थे वो हमारी ये इस प्रॉब्लम से हम कैसे आ, डील कर सकते हैं तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया जो प्रोविजनल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैंजर एंड देयर जो हम प्रोबुलेशन कहते हैं ये जो एक्ट आया था बिल आया था एक हमारा टू में ठीक है इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था जो हमारा टू में एक्ट आया जो मैंने पीछे आपको बताया है प्रोविशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल एंड एंडिया रीहेबिलेशन एक्ट इसके अंदर थोड़ा अमेंडमेंट देखा गया था जो कि हमारे 2020 में आया था इसने क्या कहा था कि अगर कोई मैनुअल स्कैंजर की वजह से मर जाता है डेथ हो जाती है तो उसको जो गवर्नमेंट है उसको मुआवजा देगी कितने तक का दस लाख रुपये तक का एक मुआवजा देगी तो इसके ऊपर बात कही थी तो इसकी वजह से इसको डिमनाइज एक्टिविटी को लोग कम करेंगे और जो हमारा एक्ट है 2013 का वो तो आपको पता ही है जो बिल्कुल ही बंद करने के लिए कह रहा है कि मैनुअल स्कैवेंजर को हम इसको कंटिन्यू करेंगे ही नहीं एक हमारा दूसरा तीसरा स्टेप लिया गया था जो बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसैनिटरी लैटरिन है ठीक है इंसैनिटरी लेटरिन एक्ट है जो हमारा कब बना था 2013 में ही बना था इसने भी यही कहा था जो हमारी टॉयलेट जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी वजह से डी डिमनाइज एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी फोर्थ हमारा जो एस सी एस टी है एस सी एस टी इसमें भी एक प्रिवें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है नाइनटीन एटी नाइन के तहत जो कि मतलब तो एक तरह से मना कर रहा है कि इस टाइप की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इसके साथ हमारा फिफ्थ नंबर पे आ, एक और एक्ट है जो कि हमारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ठीक है सफाई मित्र आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा सफाई मित्रा सुरक्षा एप और चैलेंज ऐप भी बना हुआ है और ये हमारा चैलेंज है ठीक है ये इसमें क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है ठीक है इसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आ रही है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो ये हमारी इसके अंदर आ रही है अर्बन अफेयर इस मिनिस्ट्री के अंदर हमारा सफाई मित्रा जो सुरक्षा चैलेंज है इसके अंदर आ रहा है इसे क्या कहा था जो हमारा वर्ल्ड टॉयलेट डे है ठीक है वर्ल्ड टॉयलेट डे कब बनाया जाता है ये हमारा वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाया जाता है उन, उन्नीस नवंबर 2020 ठीक है 2020 से ही स्टार्ट हुआ था 19 नवंबर 2020 हमारा वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाया जाता है तो इस पर इसने ये लॉन्च हुआ था सफ़ाई मित्र जो चैलेंज है हमारा इसलिए क्या कहा था जो सीवर क्लीनिंग है ना उसको है ना बंद कर दिया जाएगा उसके अंदर अगर कोई सीवर क्लीनिंग करवा रहा है ना पर्सन से तो उसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देनी पड़ेगी सेफ्टी के साथ साथ ऑक्सीजन टैंक देने पड़ेंगे अगर वो हमारा बहुत ज़्यादा नीडेबल है कि हमें क्लीन करवा है और वहाँ पर मैन की जरूरत पड़ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ हमें करवाना है तो सफ़ाई मित्र सुरक्षा चैलेंज इस रिगार्डिंग बात करता है ठीक है और इसके बाद हमारा स्वच्छ स्वच्छता अभियान आपको सबने इसके बारे में स्वच्छ आप बना रहे थे अपने देश को तो so, स्वच्छता अभियान अब भी आया था तो ये भी इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है इसने क्या कहा था इसने जो कहा था ना जो हमारी जियो टैग हो गई आइडेंटिफाई हो गई डाटा जो जितना भी इंसेंट्री लेट्रीन्स है हमारे इंडिया में जो मैनुअल स्कैंजर के थ्रू किए जा रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस करके जो हमारी मॉडर्नाइज हैं उन सारी लेट्रीन को वहाँ पर करेंगे और जो मैनुअल स्कैंजर की चीज़ें अभी भी कंटिन्यू हो रही है उसको स्टॉप करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान ऐप में जो कि हर कोई वो कर रहा था अब एक हो नमस्ते ठीक है नमस्ते आपने बहुत बार सुना होगा तो नमस्ते भी हमारा मैनुअल स्वेंजर के लिए है। जो कि हमारा नेशनल ठीक है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम सैनिटेशन इकोसिस्टम ये हमारे रिलेटेड किससे डायरेक्टली रिलेटेड हमारे मैनुअल स्कैंजर से है. अगर इसके अंदर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको गवर्नमेंट है ना कंपनसेट करेगी कंपनसेशन देगी तो आप सोचो अभी तो कितने लोग मरे क्या सबको कंपनसेशन मिल गया ये बात कर देते हैं पर कंपनसेशन किसी को मिलता नहीं है और एक और हमारे एट नंबर पर एक है राष्ट्रीय गरिमा अभियान वो भी हमारे मैनुअल स्कैंजर के लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान अब ये राष्ट्रीय गृह बीमा अभियान क्या बात करता है ये हमारे 2016 में आया था जिसने इरेडिकेट किया था जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है मैनुअल स्कैवेंजर की उसको बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो टोटल जो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया पहले हमारा यही है प्रोविजनल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल एंड स्कैंजर एंड देयर पॉपुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमें बना कर रहा है ठीक है कि हमें नहीं करना है मैनुअल स्वेंजर की एक्टिविटी नहीं करनी एक एक्ट हमारा टू थाउजेंड थर्टीन में आया था एक हमारा इंसेंट्री लैटरिंग एक्ट आया था जो बिल्डिंग हो रही है मेंटेनेंस हो रहा है इंसेंट्री लैटरिंग का उसके लिए एक ऐसी एस टी ट्राइब के लिए भी इसमें है नाइनटीन एट्टी नाइन के अंदर एट्रोसिटी एक्ट है जो इसे प्रिवेंशन करवाता है उसके बाद हमारा आता है सफाई मित्र जो सुरक्षा चैलेंज है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हमारी कौन बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन अफेयर्स जो हमारे कहते हैं जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है जहाँ पे कहा गया है कि उन्नीस उन्नी नवंबर जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि जो हम किसी से अगर मैनुअल का करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो उसको हमें सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिक्स नंबर पे हमारा आ रहा है कौन सा स्वच्छता अभियान ऐप स्वच्छता अभियान ऐप क्या कह रहे हैं जो हमारा इंसेंट्री इलेक्ट्रीस है ना उसको हम रिप्लेस करके जो uh, uh, सैनिटरी वाली है ठीक है सैनिटरी लेटरिन को वहाँ पे लगाएंगे ठीक है उसके बाद रिहैबिलिट कर देंगे जो मैनुअल स्कैम है उसको जो पर्सन के ना एक उस पर्सन को डिग्निटी ऑफ लाइफ के साथ जीने देंगे उसको प्रॉब्लम नहीं देंगे सेवन जो है हमारा नमस्ते ने, ने, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मकैनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए बात करते हैं जो कि डेथ अगर किसी के हो जाते हैं उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे एट्थ हमारा आ राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है में आया था जिसने कंप्लीट uh, कहा था कि जो मैनुअल स्केवेंजर की प्रैक्टिस है उसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये हमारे पूरा पूरा मैनुअल स्केवेंजर के ऊपर है अब तक तो के जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं और ये होता है क्या और क्या क्या इशू चल रहे हैं वो मैंने इसमें आपको सब, सब कुछ क्लियर कर कवरअप uh, कर दिया है आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बाय